हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे कई लोग सफ़र करते हैं और इसका कई सारे फॉर्मूला, कई सारे टिप्स अप्लाई करते हैं इससे छुटकारा पाने के, लेकिन वो नहीं छुटकारा मिलता है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा समाधान लेके आई हूँ, एक छोटा सा ट्रिप, बहुत ही सस्ती चीज़ लेके आई हूँ जो आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आज हम बात करेंगे क्रैक्ड हिल्स के बारे में, फटी हुई एड़ियों के बारे में। फटी हुई एड़ियाँ जो है बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत ज़्यादा फटने पे इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है और कई बार तो हमारे कपड़े भी इसमें फंसने लगते हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं सबसे पहले इसके कॉजेज के बारे में, इसके क्या क्या कॉजेज हैं। जो फर्स्ट कॉजेज है वो है डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी। पानी हम इनफ क्वांटिटी पे नहीं लेते हैं जिसके कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, स्किन ड्राई होने लगता है और एड़ियाँ जो है फटने लगती हैं। दूसरा कारण है ओबेसिटी, बहुत टाइम तक हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो हमारा जो बॉडी का पूरा प्रेशर है हमारे एड़ी पे ही आता है जिसके चलते वो फट जाता है। तीसरा कारण है हमारा जो तीसरा कारण है वो है बढ़ते उम्र का इफेक्ट होता है। जैसे जैसे उम्र हमारा बढ़ता है, जैसे एज बढ़ता है, स्किन जो है एड़ी का स्किन मोटा हो जाता है और धीरे धीरे वो फटने लगता है। वो स्किन जो है इलास्टिसिटी और मॉइस्चर खोने लगता है और स्किन में क्रैक आ जाता है, हिल्स में हमारे क्रैक आ जाता है। तो ये सारे कॉजेज हो गए हमारे क्रैक्ड हिल्स के। तो आइए हम जानते हैं इसके क्या समाधान है। इसका बहुत ही सिंपल समाधान है, वो है बोरो प्लस। ये बोरो प्लस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको आप अप्लाई कीजिए। इसको अप्लाई करने से आपके जो क्रैक्ड हिल्स हैं वो तुरंत, वो विद इन 1 वीक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको अप्लाई किस तरह से करना है। डेली सुबह और शाम अपने पैर को वॉश कीजिए। यदि आप गर्म पानी से वॉश करते हैं, हल्के गर्म पानी से वॉश करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आपके पास गर्म पानी अवेलेबल नहीं है, आप कहीं भी यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे ठंडा पानी से भी यूज कर सकते हैं। ठंडा पानी से पहले अच्छी तरह से अपने पैर को वॉश कीजिए, उसके बाद कॉटन के साफ कपड़े से इसको पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में आप बोरो प्लस अप्लाई करें और जहाँ पे कम है वहाँ पे कम अप्लाई करें। रेगुलर 1 वीक में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो विद इन 1 वीक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं लास्ट 1 ईयर से मैं इसे सफ़र कर रही थी और तो मुझे मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया कि बोरो प्लस अप्लाई करो हिल्स में। तो मैंने भी बोरो प्लस अप्लाई किया और इससे मेरे हिल्स, मेरे जो एड़ी हैं एकदम स्मूथ हो गए हैं। इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि उन व्यूवर्स के लिए जो बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं और उनको कोई समाधान और बहुत सारे क्रीम टिप्स अप्लाई करने के बाद भी उनको हेल्प नहीं मिला है। तो मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ और उन लोगों को इससे बहुत ही फायदा होगा जो लोग इससे सफर कर रहे हैं। वैसे तो इसके बहुत और भी कई सारे इलाज हैं, बहुत लोग वैसलीन अप्लाई करते हैं। क्रैक क्रीम मार्केट में आता है जिसे हम टीवी पे देखते हैं, उसे भी मैंने भी अप्लाई किया लेकिन वो बहुत बेकार है, उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा बोरो प्लस। बोरो प्लस आप अप्लाई कीजिए, आपको हिल्स बहुत जल्दी रिपेयर कर देगा, स्किन जो है स्मूथ हो जाएगा। और रिपेयर होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दीजिए, अपने हिल्स को आप मॉइस्चराइज करके रखेंगे, जितना मॉइस्चराइज करके रखेंगे उतना ही स्किन सॉफ्ट रहता है। तो कोशिश कीजिए आप हिल्स होने की रिपेयर होने के बाद भी आप इसको इसमें मॉइस्चर रेगुलर अप्लाई करते रहें। भले ही आप गैप करके अप्लाई करें लेकिन ज़रूर अप्लाई करें, उससे आपका स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और क्रैकन की जो है कंप्लेन नहीं आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।